जैसा कि दोस्तों आप मॉडल देख पा रहे हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका साइज है 11x34। बहुत ही बेहतरीन डिजाइन बनाकर दिया है आप लोगों के लिए और इसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है। और ये एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था और कि आप मेरा सर 11x34 का एक होम डिजाइन बनाइएगा, तो उन्हीं के कहने में यह डिजाइन क्रिएट किया है। और मैं आपसे पहले क्षमा करना चाहूंगा, मैंने 6 से 7 दिन में कोई वीडियो आप लोगों ने नहीं दिया, काफी कुछ बिजी रहा, इसलिए प्लीज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो दे रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बहुत ही दोस्तों टाइम लगता है, कोई भी मॉडल बनाने में समय लगता है, तो प्लीज इसको जरूर आप लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमेशा की तरीके से आपसे मैं इसको सबसे पहले ट्रांसपेरेंट करके दिखाना चाहूंगा, जैसा कि मैं हर हमेशा आपको दिखाता हूं इसको ट्रांसपेरेंट करके। तो जैसे मैं इस मॉडल को ट्रांसपेरेंट करता हूं, तो देखिएगा आपको ऊपर से नीचे तक ये बेहतरीन सा मॉडल दिख रहा होगा। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखने वाला है, और अगर आप टॉप व्यू देखेंगे जस्ट ऊपर तो ऐसा, और अगर आप साइड से देखते हैं तो आपको ऐसा दिखने वाला है। और फ्रंट की बात करें तो आपको बेहतरीन सा मॉडल ये ऐसा दिखनेगा दिखेगा। तो इसको पूरा डिस्कस करेंगे, सिर्फ बने रहें आप। तो चलो इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर देता हूं, इसको ले चलता हूं ओरिजिनल मॉडल पर। तो जैसे आप ओरिजिनल पर आते हैं तो आपको ऐसा दिखने वाला है फ्रंट से। तो उससे पहले आपसे गुजारिश जरूर करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे स्मॉल हाउस प्लान नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि यहां पर मैं लगातार अपडेटेड वीडियो डालता रहता हूं आपसे होम डिजाइनिंग से रिलेटेड। लगातार मैं आपको वीडियो देता हूं जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख पाए। तो सबसे पहले इसको मैं डिस्कस करूंगा ग्राउंड फ्लोर पर, इसको मैं ले चलता हूं आपको। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे तो फ्रंट से आपको ग्राउंड फ्लोर पर ऐसा दिखने वाला है। ये मैंने ट्री बना दिया है और ये मेन डोर है आपका फ्रंट से। और जैसे आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं यहाँ पर। ये स्टेयर्स एल साइज का स्टेयर्स है, पहले आपको स्टेयर जाना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा मुड़ना पड़ेगा। और इसके बाद ये आपका गैलरी गया है, और सबसे पीछे आपको एक बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम में फ्रंट गेट आपका ये वाला है, और ये एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए। और ये आपका है आपका क्या कहते हैं किचन, और किचन में मैंने डोर और विंडो दोनों दे रखा है। ये आपका बाथरूम और टॉयलेट और बाथरूम है कम्बाइंड, सीढ़ियों के नीचे एक आधा है और आधा आपका बाहर है। ये आप देख सकते हो, जगह बहुत ही कम है 11x34 दोस्तों, इस वजह से आपको थोड़ा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा सारी चीजें। तो ये तो हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, एक बेडरूम, किचन और लेटरिन बाथरूम, और ये स्टेयर्स, सारी चीजें मैंने अवेलेबल करा दी है ग्राउंड फ्लोर पर, क्योंकि आपको ऊपर दिक्कत ना मिले, इसलिए मैंने ग्राउंड फ्लोर पर सब कुछ आपको एडजस्ट कर दिया। और फ्रंट से आपको डिजाइनिंग देख सकते हैं, ये मेन डोर है, ये ग्लास का मेन डोर है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लगवाना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसका साइज पता करना है कि कितने बाय कितने का रूम है, कितने बाय कितने किचन है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका इस नाम है smallhouseplan.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहां जैसे भी जाएंगे तो यहां पर आपको एग्जैक्ट साइज मिलेगा कि 10.5x11 10.7 का बेडरूम है, ये किचन कितने बाय कितने का, पूरा एग्जैक्ट साइज आपको मिल जाएगा। इसका लिंक दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहां पर आप पूरा डिटेल और भी पढ़ सकते हैं सारी चीजें, हर एक यहां पर चीज डिफाइन की गई है। तो ये तो हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। अब मैं आप को ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, देखिएगा फ्रंट से आपको फर्स्ट फ्लोर ऐसा दिखने वाला है। और ये जैसे आप, ये आपका मेन डोर है, ये आपका बालकनी है जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। और यहां से आप जैसे ऊपर आते हैं ना, तो आप देखिएगा ये आपका फ्रंट, पीछे वाला सेम टू सेम बेडरूम है जैसा कि नीचे वाला था। ग्राउंड फ्लोर पर जैसा बेडरूम था सेम टू सेम पीछे वैसा ही, सिर्फ यहां पर आपका मैंने विंडो हटाना पड़ता है, इसका कारण मैं आपके बताऊंगा। और ये आपका एक पतला सा रूम, लगभग 7x7 फिट चौड़ाई और लंबाई इसकी 12 फिट है। 7x12 का ये बड़ा सा हॉल टाइप का निकलेगा आपका, 7x12 हॉल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आपको पर्याप्त जगह मिल जाएगी, एक आप बेडरूम भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। कि चौड़ाई लिमिटेड है 11 फीट आपके पास चौड़ाई भी, उसी में आपको इस वाले रूम तक जाने के लिए रास्ता भी चाहिए, रूम भी चाहिए, तो यही एक पॉसिबिलिटी बनती थी आपका जो मैंने डिजाइन दिया है। तो ये आपका डिजाइन हो गया। अगर स्टेयर्स अब मैं आप यहां से रिमूव कर देता तो आप फ्रंट पे भी एक रूम बनवा सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको डिजाइन दिया। मुझे कमेंट करके बताएं सर ये डिजाइन आपको कैसा लगे, लाइक जरूर किया करें सर मुझसे, क्योंकि उसे काफी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं। और प्लीज वीडियो को शेयर नहीं करते हैं आप लोग, आपसे बहुत गुजारिश है दोस्तों आप शेयर जरूर किया करें, बहुत ही टाइम लगता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना समय लगता है इन सब चीजों को बनाने में। तो प्लीज को मेहनत को जरूर प्लीज शेयर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे लगातार और हम आपके लिए लगातार वीडियो डालते रहे। तो ये तो हो गया आपका ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर। अब आपको ले चलता हूं मैं सेकेंड फ्लोर पर।
हाँ, तो जैसे सेकंड फ्लोर पर जाते देखिए, फ्रंट से तो आपको ऐसा दिखने, ये बालकनी है, ये मैंने दो प्लांट यहाँ पर लगा दिए हैं गमले, और फ्रंट से बिल्कुल डिजाइन आपको बेहतरीन सा दिखेगा। जैसे अभी स्टेयर से आते हैं तो सिर्फ पीछे वाला रूम यहाँ पर मैंने डिजाइन किया, बाद बाकी पूरा ओपन एरिया है, और आप ये देख सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर खड़े भी हो सकते हो बालकनी से बाहर निकल कर, ये विंडो मैंने दे रखा है। और लास्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको थोड़ा सा अलग सा डिजाइन दिख रहा होगा, ये आप पर डिपेंड करता है, ये स्टेयर से जो आपका नीचे से आएगा तो बरसात के मौसम में पानी न जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ग्लास लगा दिया है, और आप इस पर डिजाइन कर सकते हैं अपना, जो भी चाहे वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ स्टाइल के लिए, डिजाइन के लिए थोड़ा ये आपको खूबसूरत सा बना दिया है। ऊपर वैसे आपको एक गुमटी टाइप की ही बनानी पड़ती है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा मॉडल था 11x34 का, जो मैंने इसको डिस्कस किया, न्यू होम डिजाइन है। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, आपको पसंद आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताया करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक शेयर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे एक दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और एक ट्विटर अकाउंट, आप उसको भी प्लीज ज्वाइन कर लें, तो क्योंकि वहां पर मैं लगातार मैं अपडेट आप लोगों को ले देता रहता हूं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ साथ अगर आपका कोई भी मॉडल है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं हो सके